अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है डिफाइन वीक एसिड। वीक एसिड को डिफाइन करके आपको मैं बता रही हूँ। वीक एसिड्स आर ओनली पार्शियली आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन, सम ऑफ द आयंस रिकम्बाइन एंड रिमेन एज मॉलिक्यूल्स। दिस इज शोन बाय द रिवर्सिबल रिएक्शंस साइन इन द इक्वेशन। एग्जांपल इज कार्बोनिक एसिड। ये इक्वेशन आपके सामने है, एच टू सी ओ थ्री, इसको आयनाइज होगा तो वाटर में इसको सोल्यूबल करेंगे तो ये आयंस पे टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन बन जाएगा। वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे आर हैव अ फ्यू आयंस टू माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड एंड कैथोड। एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड एसिटिक एसिड और एच सी डब्ल्यू एच। तो ये जो ना वीक एसिड मतलब ये वीक एसिड ऐसा एसिड होता है जो कि आयनाइज होता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं होता, ये आयंस में टूट जाता है। और ये जो है ना पार्शियली आयनाइज होता है, मुकम्मल तौर पे ये आयनाइज नहीं होता। तो इसकी जो आयंस होते हैं वो दोबारा मतलब दोबारा वो एसिड बन सकता है उस आयंस से, तो इसको कहते हैं हम वीक एसिड। जैसे ये जो है ना इसको रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये दोबारा मतलब का वही चीज़ बन सकती है। तो ये था वीक एसिड। आज का मेरा टॉपिक यहाँ तक होता है ख़त्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन के लिए कर दीजिएगा ताकि मेरे दूसरे वीडियोज़ आपके पास आती रहे।